हैं जो इस घटना के बारे में उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। पीके सहगल साहब हैं और कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आपका शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। पीके सहगल साहब, मैं आपका रुख करूंगा और आप मुझे बताइए कि ये किस तरह की सुरक्षा चूक आप इसे मानते हैं। वो नज़ारा देखकर तो पूरा देश हैरान रह गया कि जब भारत की संसद में इस प्रकार की घटना कारित की गई, आप इसे कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स मानते हैं और क्या किया जाना चाहिए? देखो, जिस माफिक हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया, जिसकी तैयारी 2 साल से हो रही थी, इसी माफिक आज इन लोगों ने देश की संसद जो हमारी ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है उसके ऊपर हमला किया है। ये एक किस्म से हमला था। ये खुशकिस्मत थी कि उनके पास जो स्प्रे बॉम्ब था उसमें कोई नर्व गैस नहीं थी, उसमें कोई पॉइजन मटीरियल नहीं था। अगर वो होता तो बहुत बड़े पैमाने पर देश की छवि गिर गई होती, देश ह्यूमिलेटेड होता इंटरनेशनली। और वास्तव में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, हिज हेड मस्ट रोल। फिर जितने भी 7 सिक्योरिटी लेयर्स वाले हैं, जिन्होंने सारे के सारे फेल हुए, ऑल ऑफ देम मस्ट बी सस्पेंडेड। बड़ी थोरो इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत सारे हेड्स हैव टू रोल। अगर वो हेड्स रोल नहीं होंगे तो इस माफी का दोबारा कार्रवाई हो सकती है। इसमें पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो पुरानी बिल्डिंग होती या नई बिल्डिंग होती, आपने बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है, सो कॉल्ड फूल प्रूफ सिस्टम, बट आपके फूल प्रूफ सिस्टम को एक रिक्शा वाले ने नाकाम कर दिया। तो ये तो बहुत ही बड़ी चिंता की विषय है। दूसरा कि ये लोग जो हैं अलग अलग जगह से थे, कई कई दिनों से या कई हफ्तों से या कई महीनों से प्लानिंग कर रहे होंगे। जिसको ये पास लिया उसने कहा कि मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा था इस पास के लिए, 3 महीने के बाद मेरे को पास मिला। तो यानी दूसरे तरफ से इनके पीछे कौन है? क्या कोई राजनीतिक दल है? क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री है? क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द कंट्री है? क्या ये इसमें कोई भारी पावर इन्वॉल्व है? इनका असली मकसद कौन था? इसके पीछे कौन थे? ये कैसे असेंबल हुए? कौन इनको लेके आया? ये सारी की सारी जांच होनी चाहिए। एंड आप इस बात से सहमत हैं सहगल साहब कि एक ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसमें पीछे बहुत ही थॉटफुल तरीके से कोल्ड माइंड पूरा प्लान तैयार किया गया था अटैक करने का? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं तो ये 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को ब्रीच ही नहीं कर सकते थे। इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड, वेल थॉट थ्रू, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। एंड द फैक्ट कि वो संसद के बीच में पहुंच गए और वो हमला करने में भी सक्सेसफुल हुए, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वेरी वेल थॉट थ्रू, वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और इनके साथ 2 साथी बाहर भी थे और जो कुछ 2 फरार हो गए हैं, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स ये बहुत बड़े पैमाने पर और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। निश्चित तौर पर एक लखनऊ का, एक लड़की हरियाणा की, एक महाराष्ट्र का, 2 अन्य हैं जिनके अभी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे हैं कि वो कहां से टाल। देश के अलग अलग कोनों से ऐसे लड़कों को या लड़की को बुलाया गया वहां पे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अब लखनऊ में जो सागर शर्मा है वो ई रिक्शा चला रहा था 4 दिन पहले इसी लखनऊ में, अब वो कहां पार्लियामेंट में कूद कर ऐसा घटना कर दिया उसने? और इंटरेस्टिंगली इनके पेशे भी अलग अलग थे। एक तो कंप्यूटर इंजीनियर था जो बेंगलोर वाला है, एक ई रिक्शा वाला है। हरियाणा की जो लड़की है नीलम, वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में बड़ा सोच विचार, इनका तालमेल कई महीनों से हो रहा होगा उसके। और इनका चैटर जो है या क्लटर जो है उसको पकड़ा नहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने। हम कहते हैं कि हम हर प्रकार की जो कॉन्वर्सेशन होती है उनको मॉनिटर करते हैं, जो खास करके देश के विरुद्ध हो रही है। हाउस एट की किसी प्रकार की किसी कोई इलम ही नहीं हुआ और वो सक्सेसफुली अटैक करने में सक्सेसफुल हुए। बहुत देश की खुशकिस्मती रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉइजन नहीं था, कोई नर्व गैस नहीं थी, कोई ऐसी गैस नहीं थी जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेहोश हो जाते हैं। किस तरह की जांच होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर पाएगी, क्योंकि ये मल्टी स्टेट इसमें ऑपरेशन हैं, इसमें कई प्रांत सम्मिलित हैं, कई बड़ी सिक्योरिटी। कर्नल साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, और इसमें कोई सिर्फ एक एजेंसी हैंडल नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज की भी एक कमेटी बना के इसकी सर जांच होनी चाहिए, जिसमें CBI, रॉ, IB, दिल्ली पुलिस सभी को सम्मिलित करके एक एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करे, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। NIA को भी सम्मिलित किया जाए इसमें। जैसे कारगिल युद्ध के बाद में एक बहुत बड़ी कमेटी का गठन किया गया था,
अभी भी एक बड़ी कमेटी का गठन करना चाहिए जो विच गोज इन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, और कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े